ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो के मेन मुद्दे में जाने से पहले लेट मी क्विकली गिव यू एन अपडेट अबाउट अपस्टॉक्स लेटेस्ट बंपर ऑफर अगर आप अपस्टॉक्स का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो दैट यू गेट इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ आपको एक महीने के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा प्लस आपको एक हजार रुपए का इलन मार्केट का जो बेसिक या फिर बिगिनर कोर्स होता है वो फ्री मिल रहा है एंड अलॉन्ग विद आपको स्टॉक एज प्रीमियम मेंबरशिप मिल रही है विच इज वर्थ थाउजेंड रुपीज इतने सारे बेनिफिट एंड ओपनिंग अ जस्ट डिमेट अकाउंट और अ ट्रेडिंग अकाउंट विद अपस्टॉक्स यूजिंग द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ओके सो ओकेट आर यू वेटिंग फॉर आपको एक चीज और बता दूं अगर आप ये डी अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ ओपन करते यानी कि हमारे लिंक्स के साथ ओपन करते हो बेनिफिट दैट यू गेट इज़ ये जो वीडियोस आप देख रहे हो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऐसे जो भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो हमारे क्लाइंट्स को इस वीडियो से पहले ही मिल जाते हैं दैट इज़ इन द पर्सनलाइज फॉर्म सो डू टेक दैट पर्टिकुलर बेनिफिट यूज द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू ओपन अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद अपस्टॉक्स Now let's come to the main topic of the video, which is M&M Finance right issue and how to apply for the same. Now before going into how to apply, let me quickly give you some update about this. ये M&M Finance का जो shares अगर आपने 23 July से पहले buy किए हुए हैं, which is before the record date, तो you will see something like this. आपके ये shares जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, उसका जो average price होगा, जो कि अभी गिरके around 133 rupees हो गया है, okay?

ओके okay, अब ये जो प्राइस है वो एक्स राइट के बाद मतलब मार्केट में कंपनी पचास रुपए से शेयर देने वाली है इसके वजह से ये प्राइस जो है नीचे एवरेज प्राइस के यहाँ पे उसकी आके रुक गई थी एक सौ के आसपास आके रुक गई थी ना वो कंपनी ने ये आपको एंटाइटलमेंट का राइट जो है ये सॉरी राइट्स का एंटाइटलमेंट दिया हुआ है विच इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड सेवेंटी एट सो अगर आप ये एंटाइटलमेंट नहीं चाहते यानी कि अगर आप और एम के शेयर्स बाय करना नहीं चाहते एट द रेट ऑफ फिफ्टी तो यू कैन गिव अप ऑन दिस पर्टिकुलर एंटाइटलमेंट राइट ओके सो ये बेसिक आप क्या कर सकते हो बेच सकते हो ओके okay? तो बेचोगे तो कितने में जाएगा ये ये आ, जो एल टी पी दिख रहा है इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस दिख रहा है विच इज अराउंड एटी रुपीज ओके सो आपकी कॉस्टिंग क्या पड़ी सो लेट्स सपोज ये शेयर्स मैंने बाय किए हुए हैं टू तो थर्टी फाइव रुपीज़ पर एंड ये एंटाइटलमेंट मेरे को और इस शेयर में पचास रुपये नहीं लगाने हैं तो अगर मैं ये एंटाइटलमेंट बेच देता हूँ तो जो ये एंटाइटलमेंट बाय करेगा ही कैन क्लेम द शेयर फ्रॉम एम एंड एम फाइनेंस एट द रेट ऑफ फिफ्टी रुपीज इसका इतना सिंपल मतलब है ओके बट देन वॉट विल हैपन टू मी सी आई हैव ऑलरेडी गॉट दिस पर्टिकुलर शेयर्स आई एम होल्डिंग ट्वेंटी फाइव शेयर उसकी करंट प्राइस चल रही है वन थर्टी थ्री रुपीज ओके एंड आई एम सेलिंग एंटाइटलमेंट्स वर्थ ट्वेंटी फाइव शेयर इंटू एटी रुपीज ओके तो दैट इज हाउ तो वन थर्टी थ्री रुपीज प्लस एटी रुपीज़ ये टू हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ जो है मेरे को मेरे मिल गए बट यहाँ पे अभी भी सिंस माय बाइंग प्राइस इज लिटिल हायर तो आई एल बी यू नो पच्चीस रुपए लॉस में रहूँगा उसके बावजूद भी ओके okay? सो so, अगर आप ये आ, इसको बोलते हैं रिनन्सिएशन जो ये जो आप एम, 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 राइट्स एंटाइटलमेंट आप बेचते हो तो उसको पर बोलते हैं नाउ ये अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन कीप दिस पर्टिकुलर शेयर विथ यू एंटाइटलमेंट ये आपके पास ही रखिए इसको बेचना नहीं है इसको ट्रेड नहीं करना है इसकी प्रोसेस के बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे अब ये एंटाइटलमेंट बेचना किन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने शेयर्स की प्राइस जो है अब ये टोटल प्राइस कितनी हो रही है वन फन थर्टी थ्री प्लस एटी रुपीज़ अगर मैं इसको पकड़ता हूं तो दिस इज गोइंग अराउंड टू हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ सो so, जिनका भी एम एन एम का बाइंग कॉस्ट इज़ बिलो टू हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ लेसे सपोज कुछ लोगों ने वन सिक्सटी से बाय किया है कुछ लोगों ने वन एटी से बाय किया हुआ है ऑलरेडी है उनके पोर्टफोलियो में वो शेयर्स एंड दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट सम मोर शेयर्स फिफ्टी रुपीज़ से कि बाय भी करने पड़ेंगे लेकिन वो नहीं करना चाहते तो इन दैट केस दे कैन सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटाइटलमेंट ओके एंड यू नो स्टिल दे विल बी इन बेनिफिट ओके बट ये बेसिकली यू नो डिपेंड करता है आपकी बाइंग कॉस्ट क्या है इसके ऊपर सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वॉट इज दिस एंटाइटलमेंट हाउ डज इट वर्क ओके नाउ लेट मी क्विकली गिव यू अपडेट अबाउट इसके बारे में आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू विल हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर लिंक विच इज राइट डॉट के फिनटेक डॉट कॉम स्लैश महिंद्रा डोंट वरी इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहाँ पे आप क्या कीजिएगा सबसे पहले तो ये फ्रीक्वेंटली लास्ट क्वेश्चन है यू कैन गो ओवर हियर एंड आपके जो भी सवाल है उसके सारे जवाब जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो इसका शेड्यूल है राइट right इशू का सो लेट मी क्विकली गिव यू अपडेट ऑन दैट इशू डेट इसका ट्वेंटी एट ऑफ जुलाई है एंड लास्ट डेट फॉर मार्केट रिनंसिएशन ऑफ राइट एंडलमेंट इज सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट मतलब ये जो आपने देखे ये जो राइट इशूज आए हुए है, right entitlement आया हुए है. इसको बेचने का आखिरी दिन है सात अगस्त ओके तो उस तक आप वो जो है मतलब वो उसके ऊपर ट्रेडिंग चालू रहेगा अब इसका इशू क्लोजिंग डेट है ग्यारह तारीख सो अट्ठाइस तारीख से ग्यारह तारीख तक आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर एफेक्यूज उसमें डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है ओके नाउ लेट्स कम क्विकली टू हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर राइट इशू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर वैप अप्लाई फॉर राइट इशू है जस्ट क्लिक ऑन दैट ओके इफ यू क्लिक ऑन दैट इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज एंड जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है ओके सो नाउ दिस इज दी यहाँ पे आपको दिया हुआ है डाउनलोड अपलिकेशन फॉर्म अगर आप फिजिकली फॉर्म भेजना चाहते हो तो वो यू कैन डाउनलोड दैट फॉर्म एंड सेंड इट अक्रॉस बट राइट नाउ ड्यू टू करोना वायरस आई वुड नॉट रिकमेंड दैट सिंस दिस इज ऑनलाइन प्रोसेस बहुत सिम्पल है टू यूज दिस पर्टिकलर प्रोसेस ओके सो जस्ट अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको सारा, सारी चीजों पर आप इसको पढ़ के राइट uh, ये कीजिएगा अप्रूव कीजिए यहाँ पे बी केयरफुल यहाँ पे आई एम अ शेयर होल्डर ऑन अ रिकॉर्ड डेट एंड आई अंडरटेक टू होल्ड द आरी टिल द इशू क्लोज डेट मतलब ये यह यहाँ पे आप कंसेंट uh, दे रहे हैं कि मेरे पास RE है इज राइट एंटाइटलमेंट में है एंड ये मैं होल्ड करूंगा जब तक वो शेयर्स मेरे को अलॉट नहीं होते ओके सो दिस इज दिस थिंग अगर आपके पास शेयर्स फिजिकल फॉर्म में जिनके पास एम के सर्टिफिकेट्स रहेंगे तो उनको ये टिक करना है ओके okay? लेकिन हमारे पास तो मतलब आपके पास अगर डीमैट में है इजेशन so फॉर्म uh, मतलब आपके डीमैट में जो है डिजिटल फॉर्म में है share, so आप लोग ये ओके नाउ आई एम रिन होल्डाइटल इन वैलिड डी मैट अकाउंट नाउ इसका मतलब क्या है लेट से सपोज मैंने एम एन एम शेयर एम एन एम के शेयर जो है रिकॉर्ड डेट से पहले बाय नहीं किए थे लेकिन मैं आज की तारीख में ये एम एन एम फाइनेंस का आरई बाय करता हूँ बाय कर रहा हूँ एट्टी रुपीज से ओके okay? तो so, ये एट्टी रुपीज अगर मैंने बाय किया तो वो बंदा जो है वो इधर नहीं टिक करेगा वो इधर टिक करेगा ओके okay? वो बेसिकली क्या करेगा यहाँ पे टिक करेगा That's about it. इतना फर्क है आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाउ यू विल भी थिंकिंग की मामला क्या है एक्जैक्टली नाउ लेट मी क्विकली सिंपली टेल यू जिन्होंने राइट इशू जिन्होंने एम एन एम फाइनेंस को है बाय नहीं किया था एक्स रिकॉर्ड डेट के पहले ओके दे हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी यहां पर अगर आप देखोगे तो राइट right एंटाइटलमेंट मिल रहा है आपको एट्टी रुपीज में एंड कंपनी से शेयर मिलेगा आपको पचास रुपए से सो एटी प्लस फिफ्टी इज वन सेन थर्टी थ्री वन थर्टी के आसपास हो गया मार्केट में भी उसकी प्राइस वही चल रही है सो so, ये इस तरीके से मैचिंग किया गया है एंड यू नो एज आई सेड प्रीवियसली आई एज आई टॉकिंग अबाउट दिस जो मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने इन्फॉमेशन दी थी इसका प्राइस जो है अबाउट 200 हंड्रेड uh, वन uh, से 200 सौ रुप, uh, रुपये तक एक्सपेक्टेड था जो कि आज की तारीख में भी यू नो दो सौ रुपया हमें दिख रहा है uh, कैसे ये 133 थर्टी थ्री प्लस एटी अगर आप बेचते हो तो दो सौ तक आपका ये स्टॉक जो है अभी भी है ओके okay?

डी पी आई डी क्लाइंट आई डी कहाँ से मिलेगा यू कैन गेट इट फ्रॉम द ब्रोकर या फिर आपका जब अकाउंट आपने ओपन किया होगा वेलकम लेटर आया होगा उसमें ये सारी डिटेल्स होती है ओके एंटर द डी पी आई डी क्लाइंट आई डी एंटर द पैन नंबर देन यू विल क्लिक सबमिट ओके सबमिट करने के बाद जो भी ई मेल आई डी है वो ई मेल आई डी पर आपको ये करना है आई जस्ट एंटर माई मोबाइल नंबर यू विल गेट एन ओ टी पी ओके वंस आई एंटर दी पी एंड वैलिडेटेड द सेम इट वो फेच करेगा इंफॉर्मेशन सारी एंड यहाँ पे आपको बता देगा होल्डिंग एज ऑन रिकॉर्ड डेट इज ओके शेयर एंटाइटल्ड टाइटल्ड ट्वेंटी फाइव ये आपको अगर चाहिए तो यू कैन यू नो आप इसको चेंज कर सकते हो ओके okay? कहां पे चेंज करोगे ये जो है ये उन्होंने उनके रिकॉर्ड्स में ये डेटा दिया हुआ है शेयर होल्डर्स इंफॉर्मेशन ओके एंटर योर इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर ओके सो नाउ यहां पे मैं पच्चीस कर देता हूँ सिंस यू नो मेरे को पच्चीस ही चाहिए अगर आपको ज्यादा चाहिए आप ज्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ले सपोज किसी को पचास चाहिए हो पचास के लिए अप्लाई कर सकता है मिलेंगे या नहीं मिलेंगे दैट डिपेंड्स ऑन दी सब्सक्रिप्शन कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है कंपनी के पास कितना है

सो गूगल पे है फोन पे है पेटीएम है तो यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन या फिर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो नाउ यू नो आई बी गोइंग अहेड एंड यू नो दिस थिंग मेकिंग द पेमेंट थ्रू यू पी आई आप यहाँ पे देखोगे तो ऐड एंड चेंज बैंक डिटेल्स भी है गलती से भी ऐसे मत करना कि डीमैट अकाउंट किसी और के नाम पे है एंड पेमेंट आप किसी और बैंक से कर रहे हो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा ओके सो लेट्स से सपोज यू नो दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज़ लाइक यू नो यहाँ पे दिख रहा है मेरे वाइफ के नाम पे है तो आई विल हैव टू यूज़ दी बैंक अकाउंट विच इज़ ऑन माई वाइफ्स नेम अगर मैं यहाँ पे चेंज करके मैं मेरे यू पी से पेमेंट करता हूँ तो पेमेंट तो शायद जाएगा भी लेकिन द एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड सिंस इट इज़ कम फ्रॉम द थर्ड पार्टी वन ओके तो दिट्स दट दैट इज एन इम्पॉर्टेंटेंट वन बहुत सारे लोग जो है ये गलती करते हैं ओके सो आई होप दैट्स अबाउट इट नाउ यू कैन मेक द पेमेंट ओ अयर लेट मी गोअन मेक द पेमेंट एंड वी आर डन दैट्स अबाउट इट गाइज आपने एक बार पेमेंट कर दिया यूजिंग यू पी आई या फिर नेट बैंकिंग यू विल लैंड अप टू दिस पेज जहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स बता देगा यू नो डियर इन्वेस्टर थैंक यू एंड ऑल ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर एप्लीकेशन नंबर ओके ई मेल आई डी एंड दिस दी पेमेंट अमाउंट ओके सो so, ये जो 25 शेयर्स है जिनको जिनके लिए मेरे पास एंटाइटलमेंट था उसके अगेंस्ट मैंने ये जो आ, 25 शेयर्स का जो है अप्लाई कर लिया है अब ये राइट right इशू वाले शेयर्स जो है जो इनका शेड्यूल है दिया हुआ इन्होंने यू नो डेट ऑफ अलॉटमेंट विच इज़ लाइक ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट अराउंड ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट को मेरे अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे ये जो राइट right इशू है ये ग्यारह तारीख को एंटाइटलमेंट वाला है निकल जाएगा एंड यू नो

जस्ट बी केयरफुल अगर आपने ये इसके लिए अप्लाई किया है इसको ट्रेड मत करना ये अगर प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है तो इन इन आइदर ऑफ दिस यू डोंट हैव टू ट्रेड दिस पर्टिकुलर थिंग अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दी राइट इशूज़ जो एक्चुअली uh, शेयर्स आने वाले उसके लिए आप इंटाइटल में नहीं रहोगे ओके okay? इसको कब बेचना है कब नहीं बेचना है इसके पहले मैं ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ ऑल राइट दैट्स अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई होप दिस वीडियो वॉज फॉर यू अगर आपने एम एन एम फाइनेंस के शेयर बाय किए हुए क्या क्वांटिटी में बाय किए हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक like कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो डोंट फॉर्गेट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड उसके आगे जो बेल का आइकन है वो दबाना मत भूलना सो दैट आने वाले हर एक नए वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो हैव अ ग्रेट डे है